भारत सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन जो है जारी की गई हैं, जो सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे जनवरी 2024 में जो है उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत यहाँ पे कोचिंग संस्थानों के लिए जो है न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन जारी की गई हैं, जिनको सभी कोचिंग संस्थानों को जो है फॉलो करना होगा, नहीं तो उन पर कानूनी कार्रवाई जो है की जा सकती है। तो यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन जारी की गई हैं, यहाँ पे प्रतिदिन जो है दिन पे दिन जो है छात्र आत्महत्या के बढ़ते मामले बढ़ रहे हैं, आग की घटनाएं हो रही हैं। सुविधाओं की कमी के साथ साथ शिक्षण संस्थान के तरीकों के संदर्भ में निजी कोचिंग केंद्रों से संबंधित मुद्दे समय समय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करती रही है। इसके चलते यहाँ पे कुछ नियम जो है यहाँ पे लागू की गई हैं सभी कोचिंग संस्थानों के लिए, जिसके डिटेल्स जो है इस तरह से यहाँ पे जारी की गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटरों के लिए जो है कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो पहला रूल से ये है कि कोचिंग सेंटर में जो है 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन वो नहीं कर सकते हैं। कोई भी कोचिंग सेंटर जो है जिनकी आयु छात्र छात्रा को 16 वर्ष से कम है, वैसे छात्र छात्राओं को कोई भी कोचिंग संस्थान जो है नामांकन नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ी जो है अपडेट निकल के आ रही है कोचिंग संस्थानों के लिए। उसके बाद दूसरी जो यहाँ पे नियम ये है कि कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम योग्यता वाले टीचर्स को नियुक्त नहीं कर सकते। तो देखिए, कोई भी जो भी कोचिंग संस्थान में जो है पढ़ाएंगे, जो भी टीचर्स होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन मिनिमम जो है ग्रेजुएशन पास आउट होनी चाहिए। अगर आपके टीचर जो हैं इंटरमीडिएट पास हैं, मैट्रिक पास हैं, और कोचिंग संस्थान में आप उनको भर्ती कर लिए हैं, वो पढ़ा रहे हैं, तो उन पे जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो एक बड़ी नियम जो है ये भी निकल के आ रही है कि जो भी आप टीचर बहाल करेंगे, जो भी पढ़ाएंगे, जिनके क्वालिफिकेशन मिनिमम जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए टीचर की। तीसरी यहाँ पे अपडेट ये निकल के आ रही है कि कोई भी कोचिंग संस्थान जो है भ्रामक वादे नहीं कर सकते या रैंक की गारंटी नहीं दे सकते। अगर आप भी कोचिंग संस्थान के मालिक हैं और किसी तरह की जो है भ्रामक वादे करते हैं कि फर्स्ट डिवीजन ले आएंगे, नहीं लाएंगे तो आपके पैसे वापस होंगे, या आपको ये रैंक दिलवा देंगे, ये 100% गारंटी है, तो इस तरह की जो भ्रामक वादे जो है कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं कर पाएंगे। अगर अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। तो ये भी एक बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे दी गई है कि छात्र का नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए। तो जो भी कोचिंग संस्थान है वो बच्चों को जो नामांकन करेंगे माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही आपको करना है। अगर पहले करते हैं तो उस पर भी आपको कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इन गाइडलाइंस के उल्लंघन की स्थिति में जो है सभी कोचिंग संस्थानों को जो है 1 लाख तक के जुर्माना से लेकर कोचिंग पंजीकरण रद्द करने तक की जो है यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। आपको कोचिंग संस्थान आपकी जो पंजीकरण है वो रद्द कर दी जाएंगी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप इन गाइडलाइंस को उल्लंघन करते हैं तो उस स्थिति में आपको 1 लाख रुपए की जुर्माना और आपकी कोचिंग की जो पंजीकरण है वो भी रद्द कर दी जाएंगी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और ये योजना जो है, ये अपडेट जो है, छात्र की आत्महत्या के बढ़ते मामले, आग लगने की घटनाओं, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के साथ साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है शिक्षा विभाग ने लाई है। तो ये बड़ी अपडेट जो है शिक्षण संस्थान के लिए जो है निकाली गई है। इनको आप लोग फॉलो करिएगा तो आपके लिए बेटर होगा, नहीं तो आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट जो है यहाँ पे निकल के आ रही है। इसके डिटेल नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे आपको 3 पेज का जो है PDF दी गई है, जिसमें पूरी जो है इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जहाँ से आप पूरी जो इन्फॉर्मेशन को पढ़ पाएंगे, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को, और उनको फॉलो आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कोचिंग केंद्रों के लिए BNM हेतु दिशा निर्देश जो है इस तरह से जारी की गई है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना ना भूलिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी चाहते हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।